नमस्कार, आप देख रहे हैं JNI न्यूज और मैं हूं दिवाकर आपके साथ। शादी का झांसा देकर विधवा से बनाता रहा शारीरिक संबंध, विरोध में बेटों को जलाया, न्याय के लिए भटकती रही पीड़िता। उत्तर प्रदेश के जनपद प्रतापगढ़ में विधवा को शादी का झांसा देकर एक साल तक युवक शारीरिक संबंध बनाता रहा। शादी का दबाव बनाने और आने से मना करने पर आरोपी ने विधवा के बेटे को केरोसिन छिड़ककर जलाने का प्रयास किया। बागराय प्रतापगढ़ के मुगलपुर चौराहा निवासी महिला के पति का देहांत हो गया था। इस बीच चूड़िया बेचकर जीवन यापन कर रही थी अकेली महिला को भैरवपुर अंतु प्रतापगढ़ निवासी मोहम्मद हकीम ने शादी का झांसा दिया। महिला उसकी बातों में आ गई। आरोप है कि वह एक वर्ष तक महिला के पास आता जाता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा। इस बीच महिला के बेटे ने विरोध किया और शादी न करने पर दोबारा आने की ताकीद की। महिला का आरोप है कि इस पर आग बबूला हुए। हकीम ने केरोसिन छिड़ककर उसके बेटे को जलाने का प्रयास किया। महिला का आरोप है कि शिकायत लेकर वह थाने गई, लेकिन पुलिस ने दुराचार का मामला लिखने से मना कर दिया। सिर्फ बेटे को जलाने की रिपोर्ट लिखने की बात कही, जबकि महिला अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की रिपोर्ट लिखाने की बात कहती रही। न्याय के लिए महिला पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के पास भी गई। दो महीने से दर दर भटक रही महिला को अब तक न्याय नहीं मिला। आइए देखते हैं मुजम्मिल हुसैन की एक रिपोर्ट में। क्या घटना हुई है आपके साथ? घटना हमारे भौजाई का भाई था मोहम्मद हकीम और पप्पू, भैरवपुर रहने वाला था, उनके धान था गौरवारी बाजार उसका घर है, और वो वहाँ रहने वाला था। हमारे घर आता जाता था एक साल से, तो हमको ब्लैकमेल कर करके शारीरिक संबंध बना रहा था। जब हम कहते थे तो कहता था शादी करेंगे। तो शादी नहीं की? नहीं, शादी नहीं की। जब हम लोग शादी का दबाव डालने लगे कि नहीं आप शादी करो, एक साल से ऐसे कह रहे हो, तो कहने लगा कि हम आज करेंगे या अगले हफ्ता, ऐसे बता रहा था कि इनसे पूछ के उनसे। तो जब कहते थे तब हमको यही बहाना करता था कि हम करेंगे शादी, समय आने दो, हम शादी करेंगे। तो एक दिन हमारा लड़का बोला कि एक साल से ऐसे कह रहे हो, चारों तरफ आदमी पूछते हैं कौन है, अगर तुमको शादी करना है तो इज्जत से घर पे रहो, नहीं अपने घर जाओ। तो मिट्टी तेल रखा था उसको उठा के और झगड़ा करने लगा। मिट्टी तेल रखा था बस हमारे लड़के के ऊपर डाल के आग लगा दिया। फिर हम 100 नंबर फ़ोन करे, तुरंत अपने लड़के को ले कर बागराय गए हॉस्पिटल। पुलिस वाले आए हॉस्पिटल ले गए वहाँ छोड़ के, और वहाँ से फ़ोन करने लगा, धमकी देने लगा कि अभी कुछ आप बोलना नहीं, हम दवा इलाज कराएंगे। कौन धमकी देने लगा? मोहम्मद हकीम। तो फिर हम वहाँ भर्ती करवा दिए, फिर वहाँ से रेफर कराएं प्रतापगढ़ लेके आए। प्रतापगढ़ में रात भर रखे, जब कुछ इलाज नहीं सही समझ हमें आ रहा तो हम वहाँ से इलाहाबाद ले चले गए कि नहीं हम देखभाल करेंगे। फिर वहाँ एक दिन हम लोग कहा नहीं देखभाल मत करो, अगर शादी करना है तो रहो, नहीं तो नहीं, तो मार के हमारे बच्चे को। हमको उसी दिन से ये भाग निकला है। अब कहाँ है हमको ये नहीं पता, बस फ़ोन पे धमकी देता है। थाने पे इसकी कंप्लेन करी? थाने पे हम गए थे, तो थाने पे गए जब वहाँ बोल रहे थे कि आप जले के लिखाइए और ये सब मत लिखाइए, ये सब नहीं लिखा जाएगा। हम कहे हमारे साथ घटना यही हुआ है तो हम जले क्यों लिखाएं। पहले वो आता था हमारे घर एक साल से शारीरिक संबंध बनाता था, और शादी के झांसा दे के हमारे शारीरिक संबंध बना रहा था। तो हम पे, और फिर उसके बाद हमारे लड़का बोला, तभी तो हमारे लड़का को आग लगाया था, तो आप पुरुष क्यों नहीं लिखेंगे? अगर नहीं लिखेंगे तो नहीं सही, अगर जले के लिखे और यही साथ में लिखे तो हम लिखाएंगे। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद हम प्रतापगढ़ गए, कई बार गए, कोरोना की वजह से एसपी साहब नहीं बैठ रहे थे, तो एक एप्लीकेशन हमने दे दिया था, वो थाने गया था। तो वहाँ से पुलिस आई, बोले कि आप बागराय थाना जाइए, तो हम वो कागज़ लेके बागराय थाना गए। जब वहाँ गए तो फिर हमको डांट के भगा दिया गया कि आप बार बार आती हैं, जले क्यों नहीं लिखाती, आप जो लिखाना चाहती हैं वो नहीं लिखा जाएगा। तो हम कहे ठीक है नहीं लिखा जाएगा, तो हमारे साथ जो घटना है जब वो नहीं लिखा जाएगा तो हमारा बच्चा कैसे जला? ऐसे तो जला कि वो आदमी मोहम्मद हकीम हमारे घर आ रहा था एक साल से, शारीरिक संबंध बना रहा था। जब वो हम रिश्तक दबाव डालने लगे तो हमको मारता पीटता था। मारता देख के एक दिन हमारे लड़का बोला कि क्यों आप मारते पीटते हो, अगर शादी नहीं करना है तो आप अपने घर जाइए, एक साल से तो झांसा दे रहे हो, एक साल से यहाँ ना कुछ कर रहे हो ना कुछ, हम ही लोग सब कर रहे हैं, कहते हो कि हाँ शादी करेंगे फिर उसके बाद सब कुछ करेंगे, अब कहाँ कुछ। तो फिर हमारे लड़कों को जला दिया। अब आप क्या चाहती हैं? मेरे साथ बलात्कार हुआ है, मेरे बच्चे को जलाया गया है, इसका मुकदमा थाने में लिखा जाए, मुझे इंसाफ मिले।
कैसे जले हो? ये हकीम मेरे घर आ रहा था, मेरी मम्मी को परेशान कर रहा था, मेरी माँ को, और बोल रहा था शादी करेंगे, शादी की झांसा दे रहा था। फिर जब मैं बोला कि शादी करना हो तभी यहाँ पे रुको, नहीं तो यहाँ जाओ, तभी वो गुस्से में होकर मेरे ऊपर वहीं मिट्टी का तेल था वहीं जला दिया मुझको। फिर मैं माँ मेरी मुझे अस्पताल ले गई। अब क्या चाहते हैं आप? अब हम चाहते हैं हमको और हमारी माँ को न्याय मिले और मुकदमा लिखा जाए। वो अपराधी है, लखनऊ से बेल्ट पे छूटा है, मुझे जान का खतरा है, मुझे और मेरी माँ को जान का खतरा है। वो आए दिन फ़ोन करके धमकी देता है मेरी माँ को, मुझे जान का खतरा है। प्रशासन भी हमारा, पुलिस प्रशासन भी हमारा साथ नहीं दे रहा है।